हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के टॉप 7 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के बारे में कि उत्तराखंड में टॉप 7 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस कौन कौन से हैं। और स्टूडेंट, ये बिल्कुल नए तरीके से एक रैंक दी गई है पॉलिटेक्निक को अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर फैकल्टीज़, अकॉर्डिंग टू देयर फैसिलिटीज़। यानी फैसिलिटीज़ के आधार पर कोई पॉलिटेक्निक कैसा है, प्लेसमेंट के आधार पर कोई पॉलिटेक्निक कैसा है, और स्टूडेंट जो उसकी फैकल्टीज़ हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है फैकल्टीज़। अगर किसी भी पॉलिटेक्निक में अच्छे फैकल्टीज़ आपको मिल जाते हैं तो पॉलिटेक्निक अपने आप ही अच्छा हो जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि किस पॉलिटेक्निक में कौन कौन से ब्रांचेस चलती हैं, कितनी रैंक में आपको कॉलेज मिलेगा स्टूडेंट। ये सभी जो डिटेल है मैं आपको डिटेल व्यू में हर पॉलिटेक्निक के बारे में, जो टॉप 7 पॉलिटेक्निक है, वैसे देखिए टॉप 10 भी मैं ले सकता था, पर स्टूडेंट देखिए टॉप 10 में बहुत ही ज़्यादा कॉलेजेस के बीच में यहाँ पर देखिए रैंक डिवीज़न करना डिफ़िकल्ट है। इसलिए जो टॉप 7 देखिए जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनको मैंने इस वीडियो में लिया है स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले 7th नंबर पर जो पॉलिटेक्निक है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर है, जो कि टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वहाँ पर पड़ता है। स्टूडेंट देखिए जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर है ये काफ़ी देखिए अच्छा पॉलिटेक्निक है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको अच्छा अगर पॉलिटेक्निक चाहिए तो उसमें से एक जो है वो नरेंद्र नगर है, क्योंकि नरेंद्र नगर में देखिए केवल 4 ही यहाँ पर ब्रांचेस चलती हैं। उसमें से देखिए पहली जो ब्रांच है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और फार्मेसी है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने कितने स्टूडेंट की यहाँ पर क्षमता है, ये भी आप देख सकते हैं 40, 40, 30 और 40। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.gpnngr.org.in पर जाकर आप देख सकते हैं सभी डिटेल को। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, मैं खासकर आपको दो ब्रांच, अगर आप इन दो ब्रांच में डिप्लोमा करना चाहते हैं अच्छे से, तो आपको देखिए ये पॉलिटेक्निक अच्छा है, क्योंकि हमेशा से ये पॉलिटेक्निक जो है इन दो ब्रांचेस के लिए जाना जाता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसके बाद अगर आप देखें पॉलिटेक्निक भी अच्छा है यहाँ पर, इनके फैकल्टीज़ 4 ही ब्रांच हैं तो फैकल्टीज़ भी आपको देखिए यहाँ पर ज़्यादा बच्चे नहीं मिलेंगे, आपको केवल वही बच्चे मिलेंगे जो इंटरेस्टेड होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अधिकतर। और फार्मेसी भी है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट तो ये है कि फार्मेसी भी यहाँ पर ब्रांच है जिसकी क्षमता है 40, और इनका नंबर भी दे रखा है, आप यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं इनसे ज़्यादा डिटेल जानने के लिए। इसके बाद देखिए जो 6th नंबर पर है वो गर्ल्स के लिए पॉलिटेक्निक है, जो कि देहरादून में स्थित है, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक देहरादून सुधोवाला। ये आपको देहरादून डिस्ट्रिक्ट के सुधोवाला में आपको ये पॉलिटेक्निक मिलेगा स्टूडेंट। ये लड़कियों का पॉलिटेक्निक है, पहले जो बॉयज़ पॉलिटेक्निक था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिथोवाला और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुधोवाला, बहुत पहले 90s में ये पॉलिटेक्निक एक ही हुआ करता था। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गर्ल्स देहरादून को अलग कर दिया गया सुधोवाला को, और जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिथोवाला देहरादून है वो तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का है, पर ये जो सुधोवाला जो पॉलिटेक्निक है ये केवल गर्ल्स के लिए है। इसमें केवल 2 ब्रांचेस चलती हैं स्टूडेंट। अगर आप इन 2 ब्रांचेस में डिप्लोमा करना चाहते हैं और इस कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इन 2 ब्रांचेस में डिप्लोमा यहाँ से मिलेगा, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इन दोनों में अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो, और गर्ल्स केवल अगर आप गर्ल्स पॉलिटेक्निक से आप करना चाहते हैं, अगर आप गर्ल्स हैं स्टूडेंट हैं और गर्ल्स पॉलिटेक्निक से आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुधोवाला में केवल 2 ब्रांच हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अगर आप गर्ल्स पॉलिटेक्निक की बात करें तो एक गर्ल्स पॉलिटेक्निक स्टूडेंट अल्मोड़ा में भी है, एक गर्ल्स पॉलिटेक्निक अल्मोड़ा में भी है, वो भी अच्छा पॉलिटेक्निक है। जो पहाड़ के गर्ल्स हैं अगर वो गर्ल्स पॉलिटेक्निक में अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक अल्मोड़ा में एडमिशन ले सकते हैं। अगर जब काउंसलिंग होगी तब हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे किस तरीके से आपको कॉलेज भरने हैं, ये सब हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे स्टूडेंट। फिर है 5th नंबर पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नैनीताल, ये बहुत ही अच्छा पॉलिटेक्निक है, यहाँ पे NCC भी अवेलेबल है, NSS भी अवेलेबल है, और स्टूडेंट यहाँ पर फैकल्टीज़ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और स्टूडेंट यहाँ पर जो कोर्सेज ऑफर्ड किए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में PGDCA, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस एंड मैनेजमेंट, फार्मेसी, ये सारे जो कोर्सेज हैं ये आपको नैनीताल में मिलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ NCC भी है और NSS भी है, इसका आपको अगर आप एग्ज़ाम देंगे पॉली के बाद तो आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है स्टूडेंट। NCC और NSS में मैं आपको बता दूँ, NCC और NSS में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा।
आपको बहुत ही अधिक इसमें फ़ायदा होगा। आप स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप नैनीताल से, नैनीताल में उन स्टूडेंट के लिए देखिए इजी है जो कि पहाड़ से हैं, कुमाऊँ गढ़वाल से हैं। कुमाऊँ में आपको देखिए अच्छा पॉलिटेक्निक मिल रहा है, वो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नैनीताल। कुमाऊँ में अच्छे पॉलिटेक्निक और भी हैं स्टूडेंट, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर, ये भी बेस्ट पॉलिटेक्निक है, नंबर 4th इसको रैंक दी गई है स्टूडेंट हमारी तरफ से। क्योंकि देखिए इस पॉलिटेक्निक में, कुमाऊँ में काफ़ी स्टूडेंट काशीपुर पॉलिटेक्निक में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का प्लेसमेंट अच्छा है, फैकल्टीज़ बेस्ट हैं, हॉस्टल भी है। और स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इस पॉलिटेक्निक में कौन कौन से कोर्स ऑफर किए गए हैं, फार्मेसी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, देखिए कितने सारे कोर्सेज चलते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, सबसे देखिए यहाँ का जो बेस्ट जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग से देखिए यहाँ पर सबसे अधिक प्लेसमेंट है, क्योंकि ये शायद यहाँ पर इकलौता या दूसरा यहाँ पर पॉलिटेक्निक है उत्तराखंड में जहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चलती है, इसलिए केमिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होता है स्टूडेंट। केमिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो ये सारी ब्रांचेज जो हैं आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर में चलती हैं। बहुत ही अच्छा पॉलिटेक्निक है, हॉस्टल भी यहाँ पर अवेलेबल है, और स्टूडेंट यहाँ पर फैकल्टीज़ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपको मिलेंगे। फिर जो 3rd नंबर पर पॉलिटेक्निक है वो है KL पॉलिटेक्निक रुड़की। KL पॉलिटेक्निक रुड़की देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉलिटेक्निक है, क्योंकि इसके जो फैकल्टीज़ हैं वो बेस्ट फैकल्टीज़ माने जाते हैं उत्तराखंड के पॉलिटेक्निक्स में से। फैकल्टीज़ बेस्ट हैं, स्ट्रीम यहाँ पर स्ट्रीम भी यहाँ पर देखिए 4 से 5 यहाँ पर स्ट्रीम है, जैसे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पर टीचर यहाँ पर जो है वो बेस्ट आपको मिलेंगे रुड़की में। बहुत ही अच्छा पॉलिटेक्निक है, प्लेसमेंट भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन या इस कॉलेज से आपको मिलते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा पॉलिटेक्निक अगर आप इसे कहेंगे तो KL पॉलिटेक्निक रुड़की भी उनमें से एक होगा। जो हरिद्वार के बच्चे हैं, देहरादून के बच्चे हैं, उनके लिए आसान रहेगा यहाँ पर एडमिशन लेना, क्योंकि उनके घर के थोड़ा पास हो जाएगा। वैसे कहीं का स्टूडेंट भी कहीं उत्तराखंड में एडमिशन ले सकता है, पर फिर हॉस्टल की आपको दिक्कत होगी। अगर इतने सारे पॉलिटेक्निक है तो आप अपने घर के पास भी जो पॉलिटेक्निक है उनमें एडमिशन ले सकते हैं, पर बशर्ते ये हो कि वहाँ पर पढ़ाई होती हो, अच्छा वहाँ पर प्लेसमेंट हो। क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे पॉलिटेक्निक हैं उनमें अगर आप ऐसे ही एडमिशन ले लेते हैं अपने घर के पास समझ कर, और फिर आपको 3 साल बाद प्लेसमेंट नहीं मिलता है, तो फिर आपको देखिए वहाँ पर दुख होगा कि आप अच्छे पॉलिटेक्निक में नहीं गए। अगर आपके अच्छे रैंक है तो आप अच्छे पॉलिटेक्निक में जाने की कोशिश करिए स्टूडेंट। फिर जो दूसरे नंबर पर स्टूडेंट, इस बारी दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिथौरागढ़ देहरादून, पिछली बारी तक नंबर 1 पर रहता था, इस बार देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने देखिए एक यहाँ पर एक पॉलिटेक्निक्स के लिए ही रैंक निर्धारित करने के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित कराया था। उसमें देखिए जो नंबर 1 पॉलिटेक्निक है वो कोई और सा है, इसलिए जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिथौरागढ़ देहरादून है वो यहाँ पर नंबर 2 पर दिया गया है। स्टूडेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिथौरागढ़ देहरादून की जो प्लेसमेंट है वो सबसे अधिक है, क्योंकि देखिए पूरे गढ़वाल मंडल की देखिए जो प्लेसमेंट अधिक से अधिक होती है वो देहरादून में होती है, और उसका केंद्र रहता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिथौरागढ़ देहरादून। यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मैं आपको बताऊँ सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मेसी से अगर आप हैं, और फार्मेसी से अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट आपके लिए मैं बोलूँगा श्रीनगर और पिथौरागढ़, 2 बेस्ट कॉलेज। बाकी जो मैंने अभी आपको बताया जहाँ पे फार्मेसी अवेलेबल है वो भी बेस्ट हैं, पर सबसे अधिक राजधानी में अगर आप पॉलिटेक्निक में फार्मेसी की बात करें तो देहरादून में है स्टूडेंट। फार्मेसी यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बम्पर प्लेसमेंट है, 100% प्लेसमेंट स्टूडेंट इस बारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 100% प्लेसमेंट है। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग यहाँ पर है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इंफोसिस कंपनी इस बार आई थी, कोड योगी कंपनी यहाँ पर इस बार आई थी, जिन्होंने देखिए वेब डेवलपर बनाया है स्टूडेंट को, उनका देखिए बहुत ही अच्छा खासा प्लेस पैकेज है, 50,000 पर मंथ का पैकेज भी यहाँ से लगा है। थॉट्सवर्क में यहाँ से कंपनी आती हैं, तो अगर आपको प्लेसमेंट में अधिक आपको जाना है, अगर आपको कंपनीज में आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिथौरागढ़ चाहिए। आईटी आजकल देखिए आईटी और सीएस का ही ज़माना है अधिकतर, मैकेनिकल है, सीएस है, सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर है, सिविल में भी इस बार यहाँ से प्लेसमेंट हुई है, सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग में देखिए गवर्नमेंट सेक्टर का अधिक रहता है प्रभाव, जो प्राइवेट सेक्टर है इसका प्रभाव देखिए कम रहता है सिविल में, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिथौरागढ़ देहरादून में ये सारी ब्रांचेज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आपको मिलेगी यहाँ पर,
तो ये सारी ब्रांच यहाँ पर है जो मैंने आपको बताई, और प्लेसमेंट के लिए बेस्ट कॉलेज है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। फैकल्टीज़ देखिए कुछ कुछ डिपार्टमेंट में कम है, कंप्यूटर साइंस, आईटी में, सिविल में पूरी फैकल्टीज़ है, पर देखिए अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो थोड़ी फैकल्टीज़ यहाँ पर कम है, पर जो प्लेसमेंट है वो मैकेनिकल का सबसे ज़्यादा है, 100% प्लेसमेंट है पिथौरा से। अब नंबर वन पर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जो देखिए अलंकरण समारोह कराया गया था जिसमें बेस्ट पॉलिटेक्निक, बेस्ट टीचर्स, तो उसमें सबसे अधिक जो रैंक थी वो यहाँ पर श्रीनगर की थी, और बेस्ट पॉलिटेक्निक अवार्ड भी वहाँ पर श्रीनगर गढ़वाल को ही मिला था। तो सबसे बेस्ट पॉलिटेक्निक की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा होते हैं, प्लेसमेंट भी यहाँ पर बहुत अच्छा है, और स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, तो ये सारे क्या हैं आपके कोर्सेज यहाँ पर चलते हैं स्टूडेंट। और देखिए शायद यहाँ पर फार्मेसी भी चलता है, शायद इसमें लिखा नहीं है, एक बार आप चेक कर लेंगे स्टूडेंट साइट पर इसका कन्फर्मेशन को, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर में फार्मेसी स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से है शायद, आप चेक करिएगा। तो बेस्ट पॉलिटेक्निक है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर गढ़वाल, बेस्ट पॉलिटेक्निक है गढ़वाल के स्टूडेंट, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप श्रीनगर को भी प्रेफरेंस दें, क्योंकि नंबर वन पॉलिटेक्निक है, बेस्ट फैकल्टीज़ यहाँ पर हैं स्टूडेंट, अगर फैकल्टीज़ अच्छे होंगे तो स्टूडेंट तो अपने आप अच्छा होगा, स्टूडेंट अच्छा होगा तो प्लेसमेंट अपने आप आपको लेकर जाएगी कंपनी आपको, तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो ये आपके हो गए बेस्ट पॉलिटेक्निक, आपकी बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि बेस्ट पॉलिटेक्निक पर वीडियो बना दीजिए। और स्टूडेंट देखिए जो काउंसलिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट का की काउंसलिंग कब होगी, तो जब भी आपकी काउंसलिंग होगी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम लाइव आके आपके कमेंट को जो है आपके कमेंट का जवाब देंगे, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को त्रिशक्ति अकेडमी जोड़ें, क्योंकि त्रिशक्ति अकेडमी आपको पॉलिटेक्निक की तैयारी से लेकर स्टूडेंट जब तक आपकी प्लेसमेंट है तब तक आपको हेल्प करेगी, प्लेसमेंट के बाद भी कंपनी कहाँ कहाँ आ रही है सब आपको हम आपको बताते रहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ाई करनी है, सेकंड ईयर में कैसे पढ़ाई करनी है, थर्ड ईयर में कैसे कहाँ कहाँ से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सब हमारे चैनल पर कंटेंट अवेलेबल है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपको पॉलिटेक्निक देखिए, अगर आप उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल देखिए बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाला है, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें फॉलो करिए इन सभी आईडीज़ पर, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।